रुस्तमपुर फुलवरिया स्थित एक संस्था द्वारा एक स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में संस्थान की संस्थापिका सपना पांडे ने बताया कि 5 सालों से लगातार रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है, जिसमें कोई भी नागरिक अपनी स्वेच्छा से रक्तदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान शिविर का उद्देश्य है कि जनपद में रक्त की कमी को पूरा किया जाए और ब्लड बैंक में रक्त की कमी ना हो। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, इससे किसी को भी किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं होती है। एक व्यक्ति के रक्तदान करने से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा सभी लोगों को अपने जीवन में रक्तदान जरूर करना चाहिए। इस अवसर पर बबलू तिवारी, विनय सिंह, रूबी पांडे, कुसुम दुबे, अमित मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्थान की संस्थापिका सपना पांडे ने कहा, जी सपना पांडे, आज रक्तदान एक स्वैच्छिक शिविर का आयोजन किया गया है, जैसे हर साल किया जाता है। दिव्य चिरा के संस्थान द्वारा हर साल रक्तदान का शिविर का आयोजन साल भर में 2 बार किया जाता है, तो इस बार यहाँ पे आयोजन किया गया। अभी तक प्रेजेंट टाइम में 4 लोगों ने रक्तदान किया है और उम्मीद यह है कि अधिक से अधिक लोग रक्तदान करें। कितने सालों से ये रक्तदान किया? 5 सालों से चल रहा है, 2016 से ही। अभी तक प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ क्या कहते हैं, जैसे कि लमसम 586 लोगों ने रक्तदान किया है। हम ये चाहेंगे कहना कि यहाँ की जनता से कि उन्हें रक्तदान हमेशा करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान करने से जैसे मान ली किसी भी चीज़ को अगर उसे प्लेसमेंट देने से, हमें सेंस कर सकते हैं कि रिप्लेस करने से एनर्जी में और भी एनर्जी आती, बॉडी में और एनर्जी आती है, और इंसान को हमेशा रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान से कभी किसी लोग भ्रामक चीज़ें हैं, कमजोरी आती है, ऐसा कुछ होता नहीं है, कमजोरी नहीं आती है, हमेशा लोगों को रक्तदान करना चाहिए और अधिक से अधिक लोग करें तो ही अच्छा है।